19 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो है इंटरनेट पे उसको बंद किया जाए और उसकी वजह यह थी कि एक ऑफेंसिव साइट या पेज एक पेज फेसबुक पे आया था ड्रॉ द प्रॉफिट पेज और ये जब आया था तो लोगों ने ऑब्वियसली ऑब्जेक्शंस उठाई थी और यहाँ पे बहुत सारा एतराज हुआ लेकिन इशू ये रहता है कि अगर आप एक नेटवर्किंग साइट को बंद कर देते तो क्या इससे सारे प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाएंगे हमारे हमारी मजहब जो खतरे में थी अब वो खतरे से निकल आएगी क्या होगा इसके साथ इस पर हम बात करेंगे और इसकी इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे कि यहाँ पे दुनिया में कोई 500 मिलियन लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ये एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग साइट है इस पे लोग अपना कारोबार भी करते हैं अपने दोस्तों से बातचीत होती है और ये एक बिल्कुल आप समझे एक फ्री एक्सेस है जहाँ पे लोग बहुत आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अवाब अलवी हु इज अ डेंटिस्ट एंड अ ब्लॉगर और आप इंटरनेट पे बहुत टाइम गुजारते हैं और आप अभी फिलहाल एक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे ब्लॉगिंग कॉन्फ्रेंस अमेजिंग अब दुनिया में ब्लॉगिंग कॉन्फ्रेंसेस भी होती है डॉक्टर मिराज उल हुदा सिद्दीकी जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं और आप नायब अमीर है जमात इस्लामी के सिंध के और सबीन महमूद सबीन इज अ सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट और द चीफ एग्जीक्यूटिव और द डायरेक्टर ऑफ पीस नीश विच इज अ फैंटास्टिक स्पेस जहाँ पे लोग जाके फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ब्लॉगर्स भी आई बिलीव वहीं बैठ के अपना सारा काम करते हैं और जावेद काजी एक वकील भी हैं टेलीविजन एंकर भी हैं और उनकी अच्छी खासी राय है इस मौजू पे भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये अगर एक फंडामेंटल हम एक राइट ले लें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये इस तरह की पाबंदी मेराज साहब आप समझते हैं कि अगर हम लोगों के जबान बंद कर दें तो इससे चीजें चेंज होती हैं इससे जैसे आपको शायद याद हो कि अफगानिस्तान में उन्होंने बुक्स को बैन कर दिया था उन्होंने कहा था कि ये किताबें नहीं होंगी कि कोई कोई गलती से कोई चीज ना कोई पढ़ ले तो नॉलेज को जब हम रोकते हैं इस तरह की चीजें को जब हम रोकते एक तो एक वो कहते हैं कि एक अच्छा तरीका है कि आप उसको उसके साथ आप डील करें उसी प्लेटफॉर्म पे या आप अपने टर्म्स पे लेकिन उसके साथ डील करें लेकिन हम ये नहीं करें हम तो सड़क पे निकल आके सब कुछ जलाओ तराओ जला के निकल जाते हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने एक अच्छे मौजू पर मुझे यहाँ इजहार ख्याल की दावत दी है पहली बात तो ये अर्ज करूंगा कि दुनिया भर के अंदर जितनी डीलिंग्स होती हैं वो हमेशा कुछ कवायद कुछ कवानीन कुछ तहजीब के दायरे में होती हैं डायलॉग होना चाहिए मैं बिल्कुल इसका मुखालिफ नहीं हूं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान भी इसके मुखालिफ नहीं है लेकिन ये डायलॉग जहां पर भी होता है वहां पर कुछ ऐसी हुरमतें होती हैं कि मैं किसी का एहतराम करता हूं कोई और मेरा एहतराम करता है मैं उसके बुजुर्गों का एहतराम करता हूं वो मेरे बुजुर्गों का एहतराम करता है लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि एक खास ज़ायोनिस्ट लॉबी है कि जिसका एक रवैया सामने आ रहा है वो बार बार इस बात के लिए इसरार करती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब है कि अंबिया की तौहीन की इजाजत दी जाए अंबिया की तौहीन करना मुआशरे के अंदर आम बनाया जाए यानी मुझे हैरत है कहा तो ये जाना चाहिए था कि किसी भी बड़े आदमी की तौहीन नहीं होनी चाहिए इसके बरक्स एक रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि हमें हर एक को गाली देने की इजाजत दी जाए लेकिन मैं इस मौके पर यह कहूं कि फेसबुक ने जो ड्रॉ मोहम्मद के हवाले से एक अपना सफा बनाया और उसके ऊपर मुसलमानों ने एक एहतजाज किया अवलन तो मुझे इससे इख्तलाफ है कि इस एहतजाज के अंदर जलाओ घिराओ जैसी कोई चीज हुई हो एहतजाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर बहुत पीसफुल बहुत पुरअमन मगरबी दुनिया से लेकर मशरक तक हर जगह पर नहीं, इस दफा हुआ। नहीं हुआ पाकिस्तान में लेकिन जनरली पाकिस्तान में ये हो मैं इस इवेंट की बात बिकॉज इस इवेंट की मैं भी बात करी बिकॉज ये जो लाहौर हाईकोर्ट ने जो एक्शन लिया है तो उस एक्शन की वजह से शायद ये नहीं जी बिल्कुल लेकिन जो सवाल है मिराज साहब के
वेस्ट जो है ना वो डिबेट को डिफाइन करती है, वो कहती है ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इश्यू है, हम यहाँ पे अपने मुल्क में हम डायलॉग करते नहीं है। अब नहीं, मैं जरा सा इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर चीज किसी तहजीब के दायरे में होती है। फेसबुक पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, सब इस्तेमाल कर रहे थे, मैं भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जी बिल्कुल। और जब ये बैन उठेगा आप वापस जाएंगे उस पे? मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे, डीएक्टिवेट करूंगा अपना अकाउंट। ओके, लेकिन ये बात कहना चाहूंगा, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया? नहीं, अपोलोजाइज उन्होंने नहीं किया, वो अपोलोजाइज किया मौली नॉरिस ने जिसने स्टार्ट लिया था। लेकिन मैं ये बात अर्ज करूंगा कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब फर्द को माफ करने का इख्तियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर सारे उलमा मिलकर भी उसको माफ करना चाहें, सारे मुफ्तियान इकराम मिलकर भी उसको माफ करना चाहें, तो उसको नहीं माफ कर सकते। दूसरी तो बात उसी में अर्ज करूं, लेकिन ये जो है ये आपका राइट है, नहीं, वापस जाना चाहे कि नहीं वो आपका राइट नहीं, लेकिन मेरी इतना इनका राइट भी होना चाहिए कि ये वापस जाके। मैं गुजारिश जो करूंगा वो ये कि अगर आप देखें तो हम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर मेंबर बनते हैं और वहां पर अपना सारी डिटेल्स दे देते हैं, उसके बाद फिर एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज उनके सामने से आती है, ठीक है, जो कोई पढ़ता नहीं है, ना पढ़ता हो उसको साइन कर देते हैं या कम से कम कह देते हैं कि जी वी एग्री विद इट। जब आप एग्री कर जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक आप चलना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज आए तो वहां पर आपको ये इख्तियार है कि आप कहें, रिपोर्ट करें कि जी ये अब्यूज है, ये ऑफेंसिव है, ये हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन इस सफे के मामले में ये अजीब चीज नजर आई कि जब इसके बारे में लोगों ने जाकर रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया कि जनाब ऐसा हो रहा है, तो उनकी जो तादाद जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद उस पेज को ब्लॉक कर देते हैं, वो तादाद उमूमी तौर पे बहुत कम होती है। यानी मुझे जो लोगों ने बताया है कि 260 या 270 है कि अगर कोई इतने तादाद में लोग अब्यूज रिपोर्ट कर दें तो उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इस मामले में 36,000 रिपोर्ट्स उनके पास आई कि इट इज एन अब्यूज ऑफ ए रिलीजन, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया। okay. इसका ये मतलब है कि वो टर्म्स ऑफ सर्विसेज जिसके मुताबिक वो हमसे डील कर रहे थे, उन्होंने खुद उसकी खिलाफ वर्जी की। और मैं उसमें थोड़ा सा ये इजाफा और करूंगा, बात तवील हो रही है, लेकिन ये कि जब उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में इसको वो किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में फेसबुक को टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ब्लॉक करने के साथ दूसरी चीज जो है वो ये है कि इस्लामिया ने पाकिस्तान ने इस पर एक इत्मीनान जरूर महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई हुई है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप होलोकॉस्ट को ड्रॉ करना चाहें तो होलोकॉस्ट पर एक पेज बनाया गया, फेसबुक ने नेक्स्ट डे उसको रिमूव कर दिया। आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कहा है, बिकॉज यहाँ पे आई ब्रिंग यू इन हियर, लेकिन इस पे हम एक ये नुक्ता भी उठाएंगे कि हाउ डू यू डील विद दीज इश्यूज।